हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अंसारी और हमारे यूट्यूब चैनल अंसारी मोबाइल टेक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपका हाथ फिजिकली डैमेज है या आप अपने हाथ का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं या आपके हाथों में कोई मेहंदी लगी हुई है, एनी प्रॉब्लम है आपके हाथों में और आप अपने हाथ से अपने फ़ोन को ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने फ़ोन को अपने फेस से इस तरीके से कैसे ऑपरेट करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल अंसारी मोबाइल टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करके बेल वाले बटन पर भी क्लिक कर दें, क्योंकि जब हम कोई वीडियोज़ अपलोड करेंगे तो आपके नोटिफिकेशन के ज़रिए नोटिफिकेशन मिल जाएगी, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पर रोज़ इसी तरीके से एंड्रॉयड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टिप्स एंड ट्रिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों देर किए बिना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने प्ले फ़ोन के प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च बार में सर्च करना है EVA Facial Mouse। सर्च करने के बाद आपको इस तरीके से एप्लीकेशन खुल के आ जाएगी। तो दोस्तों देखते हैं, इसको कस्टमर्स ने 4.4 की रेटिंग दी हुई है। इसको जो इसका लाइक रेशियो है 5 स्टार का होता है, लेकिन कस्टमर ने 4.4 की रेशियो दी है और 100,000 लोगों ने तकरीबन इसे लोड किया हुआ है, यानी 100K लोगों ने इसे लोड किया है। तो इस हिसाब से ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी होगी। तो दोस्तों चलिए इसको इंस्टॉल करके देखते हैं। तो मैंने इसे पहले से ही डाउनलोड करके अपने फाइल मैनेजर में रखा हुआ है, तो मैं इसे अब इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना, मैंने ये आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है। जब तक आपका EVA फेसियल माउस इंस्टॉल हो रहा है, तब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको रोज़ इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोस हिंदी उर्दू में मिलती रहेंगी जो कि बिल्कुल फ्री होती हैं। तो दोस्तों मेरा EVA फेसियल माउस इंस्टॉल हो गया है, मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से सेटिंग के बारे में बताएगा, तो हमें ओके करना है। ओके करने के बाद हमको ये एक्सेसिबिलिटी में लेके गया। एक्सेसिबिलिटी में सबसे नीचे हमें EVA फेसियल माउस पे क्लिक करके इसके फंक्शन को ऑन करना है। ऑन करने के बाद हमको ये अलाउ मांग रहा है, अलाउ किया हमने। इसके बाद ये ऐप्स दैट कैन ड्रॉ ओवर द ऐप्स, इसको भी हमने परमिशन देनी है इसको। उसके बाद फिर बैक जाना है। बैक जाने के बाद फिर इस तरीके से हमारा एप्लीकेशन खुलेगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है। इसके बाद हमें एक सेटिंग के लिए कह रहा है, तो हम इसके सेटिंग पे ओके करते हैं। सेटिंग पे ओके करने के बाद दोस्तों आपको जाना है लैंग्वेज एंड इनपुट पे। लैंग्वेज एंड इनपुट पे जाने के बाद आपको इधर जो डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड पे आपको सेलेक्ट करके इधर नीचे चूज़ कीबोर्ड पे सेलेक्ट करना है। चूज़ कीबोर्ड पे सेलेक्ट करने के बाद आपको इधर EVA कीबोर्ड इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको वन टाइम बैक जाना है। वन टाइम बैक जाने के बाद आपको फिर से अगेन डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है। डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करने के बाद इधर EVA कीबोर्ड इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट पे टिक करना है। इसके बाद आपको फिर बैक जाना है। बैक जाने के बाद ये आपका एप्लीकेशन आपको सही का निशान बताएगा कि हाँ आपकी सारी सेटिंग सही है, तो आपको इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये आपका फेस को डिटेक्ट करेगा, तो आप अपने फ़ोन को इस तरीके से अपना फेस डिटेक्ट करा लें। फेस डिटेक्ट करने के बाद आप ये नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें। ये आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो है 8 लिखा हुआ है, इधर 8 लिखा हुआ है, ये आपके फेस की स्पीड है। आप अपने फेस को किस तरीके से कितने घुमाने पे आपके माउस की पॉइंटर जो है कितनी स्पीड भागेगी, जिस तरह आप कंप्यूटर में पॉइंटर स्पीड अपने माउस की पॉइंटर स्पीड को बढ़ा लेते हैं, उसी तरीके से ये भी है। तो मैं चलिए इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ। हॉरिजॉन्टल भी कम कर लिया मैंने, वर्टिकल भी कम कर लिया। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट आप करते चले जाएँ, इसमें सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। अभी मैंने इधर देख, ये बैक बटन है आपका यहाँ पर। इसके बाद ये आपका होम बटन है, ये आपका ये बटन है जिससे आपकी सारी ओपन एप्लीकेशन खुल के आती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको ऑपरेट कैसे करना है, देखिए मैं इधर अपने सर को नीचे लाया, इधर ऐप्स पे ये ऐप्स खुल गई मेरी। तो आप अपने फ़ोन को अपने सर को ऐसे हिलाते रहेंगे तो ये किसी
कहीं पे क्लिक नहीं होगा। अगर जब आपको क्लिक करना है कहीं पे, तो एक जगह ले जाके, जैसे मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ वीडियोस पे, तो इसको वीडियोस पे ले जाके मैंने थोड़ा रोका, उसके बाद क्लिक कराया, क्लिक पे वो मैंने क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से मेरी वीडियो की फाइल खुल गई है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ ये दिखाता हूँ, जैसे कि ये है, इस वीडियो पे मैंने क्लिक किया, ये प्ले हुआ वीडियो। ये देखें, मैं इसको फिर बैक गया मैं इधर से, ये मेरी होम बटन दबाने के बाद ये बैक हो गया, आपका वीडियो बंद हो गया। इस तरीके से आप, जैसे ये मेरा व्हाट्सएप है, मैं अपने व्हाट्सएप को खोलता हूँ, ये मेरा एक बार क्लिक हुआ, दोबारा क्लिक मैंने किया व्हाट्सएप पे, ये व्हाट्सएप मेरा खुल गया है। अगर आप अपने फेस को इस तरीके से हिलाते रहेंगे तो आपका कहीं पे क्लिक नहीं होगा। जब आप अपने फेस को रोकेंगे तो वो क्लिक हो सकता है। देखिए इस तरीके से मेरा ये हो गया है, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप खुला हुआ है। इधर आपको देखें, इधर साइड में आपको कुछ इस तरीके से ये मिल जाएगा, इससे आपके पेज या और ये जो हैं आपके कॉल्स, इधर से आप करेंगे तो सबसे नीचे इधर से ये आपका चैट खुल गया। इसके बाद सबसे नीचे फिर आप करेंगे तो आपका कॉन्टैक्ट खुल के आ जाएगा। ऊपर गए आप, ऊपर जाने के बाद इधर से आपको फिर इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ये आपका चैट खुल के आ गया। मैं अपना एक ग्रुप खोलता हूँ, ये मेरा ग्रुप है, इस ग्रुप पे मैंने क्लिक किया, ये आया, क्लिक किया मैंने इस पर, ये क्लिक हो गया। उसके बाद हमें अभी जो है इधर कुछ टाइप करना है, तो टाइप पे मैसेज पे जाना है हमें, टाइप पे मैसेज पे क्लिक करना है, तो कीबोर्ड खोल के आ जाएगा, क्लिक किया हमने। ये देखिए इधर आपको एक ऑप्शन भी मिल रहा है, अगर आपने कुछ कॉपी किया है तो आप इधर पेस्ट कर सकते हैं। मैं इधर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ये कीबोर्ड लिख के खुल गया है। मैं इस पे हाय लिखता हूँ, HI हाय, और इसको मैंने सेंड कर दिया। तो दोस्तों आपने अभी सीखा, आप अपने फ़ोन का यूज़ अपने हाथ के बिना, अपने फेस से, अपनी आई रेटिना से कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।